नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भगौली हरदोई में 26 फरवरी 2022 को निशुल्क नेत्र शिविर के नाम पर लूट खसोट कर गरीब असहाय की आंखों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताते चले कि भगौली क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड अहिरोरी के हुसैनपुर तिराहे पर जनपद चित्रकूट से आए हॉस्पिटल में समृद्ध बताकर कन्नौज स्थित एक फर्जी संस्था द्वारा कैंप लगाकर गरीब असहाय बुजुर्गों की आंख के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। कैंप पर उपस्थित खुद को डॉक्टर कहने वाले डरे सहमे हरेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया कि निशुल्क हम पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी निशुल्क नेत्र शिविर लगाने की अथॉरिटी है। हम निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन यहाँ के मरीजों को कन्नौज से ले जाकर करवाते हैं। मौके पर हरेंद्र कुमार के द्वारा एक मरीज से दवा के नाम पर पैसा भी लिया गया, जबकि मौके पर कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं था। मौजूद बुजुर्ग जनों ने बताया कि कैंप पर किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। दवाएं, ऑपरेशन, चेकअप सारा कुछ फ्री किया जाता है। उक्त चेकअप कैंप मेन सड़क मार्ग किनारे गंदी अस्त व्यस्त जगह पर संचालित था, जसके बारे में वहाँ उपस्थित तीमारदारों ने कहा कि हाँ, डॉक्टर को सोचना चाहिए कि वह आई कैंप कहाँ लगाते हैं। इस मामले से संबंधित जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सिलोनी से चाही लेनी चाहिए तो उनका कोई फोन नंबर नॉट रिचुअल था, क्योंकि गरीबों को असहाय की आंखों के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ जिला स्वास्थ्य विभाग देता है या फिर उनकी ढिलाई के चलते अराजक तत्व आंखों के नाम पर लोगों के साथ अवैध वसूली करने के लिए सक्रिय हो रहे हैं या फिर आंखों के चिकित्सा के नाम पर चित्रकूट के नाम को धूमिल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त मामले को समझकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंखों की चिकित्सा को लेकर जिले के स्वास्थ्य विभाग कर्मियों की ढिलाई के चलते किस तरह मखौल उड़ाया जा रहा है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भगवान बेन। कहाँ के रहने वाले हैं? दौलतपुर। किस लिए आए हैं यहाँ? क्यों आए हैं यहाँ? काहे आए हैं यहाँ? आँख दिखाने आए हैं? अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आँख में? एक आँख तो हम बनवा चुके हैं, आँख बनवाना बहुत कम। कोई फायदा मिला इन डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब को आज हम दिखाने हैं, हमें तो इसकी ऑपरेशन कराना। तो आज दिखा चुके हैं? कोई पैसा वैसा लिया? नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। हरेंद्र कुमार, आज किस जगह पर ये आई कैंप चल रहा है? हुसैन पकड़ा। किस संस्था के थ्रू? चित्रकूट आई हॉस्पिटल। चित्रकूट आई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, आपकी पोस्ट क्या है? ऑटोमेटिक। अभी जनपद में कितने कैंप लगभग आपकी संस्था के द्वारा किए जा चुके? अब हमने तो यहाँ अभी शुरुआत हमारी हुई है, पहली बार। दूसरा कैंप लगा है। आज कितने बजे से हुसैनपुर में कैंप चल रहा है? 9 बजे से। अभी तक कितने मरीज देखे होंगे टोटल? क्या देखने का प्रोसेस क्या है सर? इसमें देखा जाता है मोटे बंदे है कि किस दूरी से अपडेट करके। शुल्क क्या रहता है? निःशुल्क रहता है। निःशुल्क रहता है। दवाओं का कैसे? दवाएं भी निःशुल्क होती है? जी सर, निःशुल्क। और उनका ऑपरेशन जिन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उनके ऑपरेशन का शुल्क देना पड़ता होगा उनको? निःशुल्क रहता है। निःशुल्क रहता है। तो इस तरह से कैंप मतलब ऐसी जगह पर जहां पर स्वास्थ्य विभाग अलाउड भी नहीं करता है, वैसी जगह पर कैंप आप कर रहे हैं? अभी कैंप हो रहा है सर, लोग थोड़ी ना कर रहे हैं। तो यहाँ से कोई ड्रॉप वगैरह तो देते ही होंगे ना पेशेंट को? अगर किसी को आँख में नॉर्मल प्रॉब्लम है तो उसको कुछ न कुछ तो देते होंगे सर। वो कोई दिक्कत होती तो सीधे वही हॉस्पिटल में देते हैं। लेकिन आँखों का मामला है ना, लोग कहते हैं कि आँखों से बढ़कर के शरीर में कुछ नहीं होता, तो इनको कैंप के लिए कोई ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ पर साफ सफाई और शुद्धता हो, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम न हो। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, चूँकि आप तो कैंप कर रहे हैं,
आप डॉक्टर हैं, तो इन लोगों को कहीं बैठने के लिए कोई शुद्ध जगह कैसे, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, कैंप जहाँ क्या आप ये कैंप कर रहे हैं यहाँ पर, आँखों को देख रहे हैं और ऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं इन बुजुर्गों को और माताओं बहनों को, तो क्या इसके संबंधित जो यहाँ पर CSC है वहाँ के डॉक्टर्स को या हरदोई सीमो आदि को जानकारी देते हैं? या सर, वो तो सर बता सकते हैं क्योंकि हम कैंप लगाते हैं सर। यानी आपके हेड डॉक्टर, क्या नाम है उनका? चतुर्वेदी सर है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? कन्नौज से। तो आप आज पहली बार आई हो? पहली बार आई। और कोई है जो दूसरी बार आया हो? सारे लोग पहली बार आए हैं। क्या लगता है फायदा होगा? कोई पैसा वैसा पड़ता है? आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।